से नाउ। अब अपने जब बात करें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, पहली बात, इट वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस डेविस मॉरिस, राइट। पहली बात ये, उसके बाद में दूसरा ये लिखा है कि PQLI के अंदर अपने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ? तो कल तुमने लिखा कि फिजिकल क्वालिटी के अंदर तीन चीजें आती है, पहले तो फूड, फ्यूल, और उसके बाद में नॉन ड्यूरेबल, उसके बाद में दूसरा कौन सा, ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल, और लास्ट में आता है सर्विसेस। इतनी चीजों को अपने यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, राइट। अब जब अपने इतनी चीजों को इंक्लूड करते हैं तो मतलब ये हुआ कि ये तीन चीजों से सिर्फ अकेला पता नहीं चलेगा, अब इसको बाइफरकेट करें। तो 10 चीजों के अंदर, 10 एस्पेक्ट्स के अंदर हमने बाइफरकेट किया। उसमें कहाँ से शुरुआत की हमने? फूड से शुरुआत की, जिसमें अपने क्या क्या चीजें देखते हैं, तीन चीजें, कैलोरी, प्रोटीन एंड फैट। उसके बाद में दूसरी जो चीज थी वो क्या थी, हेल्थ एंड मेडिकल, ओके, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज उसके अंदर थी। देन आफ्टर हाउसिंग एंड क्लोथिंग, यानी नंबर ऑफ हाउसेस, एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ईच हाउस, कितने लोग एक घर के अंदर रहते। फिर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एजुकेशन ले पाते हैं, स्कूल जाते हैं, और दूसरी बात टीवी या तो थिएटर घर में। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन देगा। फिर एनर्जी, फिर पॉपुलेशन जिनके पास प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, फिर उसके बाद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एंड फाइनली ड्रेनेज फैसिलिटी। अब अपने इसके बेस के ऊपर ये 10-10 चीजों को साथ में लेके तो चल नहीं सकते, तो इसको एकदम नैरोली और रफ इंडेक्स के अंदर बनाया किसने, मॉरिस डेविस मॉरिस ने, और उनके हिसाब से अपने तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें जो फर्स्ट थिंग है उसमें लिखा गया है PQLI, इसके अंदर फर्स्ट थिंग उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन लिखा है, जो सेकंड थिंग है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और जो लास्ट थिंग है वो उसके अंदर है इन्फंट मोर्टालिटी रेट। ओके, अब ये तीन चीजों को इसके अंदर अपने डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहली बात, तो एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा, तो आपको नीचे लिखा गया है लिटरेसी रेशियो, लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन, यानी कितने लोग एजुकेटेड है। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि सीधे आप साइंटिस्ट बनो या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, ये नहीं। क्या बोला गया है, एजुकेशन का मतलब कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो वो भी चलेगा, पर एटलीस्ट वन लैंग्वेज आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन में अपने लिटरेसी लेवल देखते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड, राइट, ये पहला हुआ। दूसरा क्या लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बच्चा इंडिया में जन्म लेता है वो उसके बाद में कितने साल तक जिंदा रहेगा, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी अ चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू लिव हाउ मेनी इयर्स, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। अब कई बार है ना, अपने को लगता है कि ये जो इंडेक्स है वो इंडेक्स क्यों, इसको क्यों इंक्लूड किया, इसको क्यों किया, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्यों किया। पहले मैं आपको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में बता दूं कि पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 बर्थ, हाउ मेनी चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, यानी एक साल कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, वो भी 1000 में से, 1000 में से, कभी भी परसेंटेज में नहीं होते, वो किस में होते, 1000 के ऊपर होते। तो अब ये तीन इंडेक्स क्यों, सवाल ये,
कि ये तीन इंडेक्स के पीछे का कारण ये है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर एजुकेशन अटेनमेंट है, इसका मतलब स्किल है, अगर आप एजुकेशन लेते हो तो इसका मतलब आपकी कंट्री के अंदर स्किल डेवलपमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एजुकेशन होने के कारण गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को आप समझ पाते हो, गवर्नमेंट जो अलग अलग स्कीम्स बनाती है उस स्कीम तक वो पहुंच पाता है बंदा, एंड उसके बाद में वो उसका फायदा ले पाएगा एजुकेशन के साथ में। फिर उसके बाद लिखा गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। नाउ व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि कितने साल तक जिंदा रहता है। तो अब देखो, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा एक्सेस किसके अंदर होना चाहिए? अच्छा फूड मिलना चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए आपको, और दूसरी बात हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, और तीसरी बात अवेयरनेस होनी चाहिए, बराबर ने? तो इंडेक्स खाली अपने इंडेक्स के अंदर खाली तीन चीजों को इंक्लूड किया, पर ये तीन चीजें बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर स्टडी की जाती है। तो पहले जैसे बोर्ड पे लिखा क्या था, पहले अपने एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, इससे अपने क्या पता चलता है कि आप कितने स्किलफुल हो और आप अपने गवर्नमेंट के कितने स्कीम्स को समझ पाते हो, ये इससे पता चलेगा। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ये पता चलता है कि लाइफ हेल्थ और हाइजीन की फैसिलिटीज तक कितना एक्सेस है। दूसरा अवेयरनेस कितना है हेल्थ के बारे में, तभी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना ये भी आपको क्या बता रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होना बता रहा है। एंड फाइनली जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, इससे ये पता चलता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसको कैसा माहौल मिलता है। घर में पढ़े लिखे लोग होंगे तो अच्छी तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे तो बच्चे मरने के नंबर जो वो कम होते जाएंगे। दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना, इससे ये पता चलेगा कि वैक्सीनेशन प्रॉपरली दिया गया तो बच्चे बीमारी से दूर रहेंगे। तो ये सब चीजें जो है ना, उससे आपको क्लियरली मेंशन, मैंने आगे भी बताया अपने स्टार्टिंग में क्या देखा था, ग्रोथ मेजर करना आसान है, डेवलपमेंट मेजर करना मुश्किल है। तो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए अपने किस पे डिपेंड करना पड़ता है, कुछ इंडिकेटर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। तो अगर ये तीन चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे याद क्या रखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला कि 1000 पे वो गिना जाता है, कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। तो आप देखो यहाँ PQLI की फॉर्मूला, इन तीनों को प्लस करके हमने बताया, इन तीनों चीजों को हमने प्लस करके PQLI यहाँ पे बताया, यानी लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स एंड फाइनली इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स। अब इसके बारे में तीन चीजें, ये तीन चीज क्यों, चार हो सकती है, दस हो सकती है, दस और दस लिख देते तो क्या, बट ये जो तीन चीजें हैं उसके पीछे के कारण, तो सबसे पहले तो ये बताया गया कि ये तीनों तीन चीजें जो है उसके लिए डेटा मार्केट में यानी गवर्नमेंट के पास से इजीली अवेलेबल होता है। इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज द लिटरेसी लेवल इन योर कंट्री, आपको वो डेटा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो पहली बात, डिपेंडेबल डेटा अवेलेबल, फिर दूसरी बात डिपेंडेबल डेटा, और दूसरी बात ये तीनों तीन फैक्टर आपको रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, शोइंग द रिजल्ट। मतलब अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं ऐसा बोलता हूं कि यार अपनी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, अपनी कंट्री के अंदर हर सिटी के अंदर 5,000 एम्बुलेंस है, बराबर नहीं? लेकिन फिर भी कोरोना के टाइम पे लोग मरते थे एम्बुलेंस ना होने के कारण, या तो एम्बुलेंस हो लेकिन हॉस्पिटल में जगह ना मिलने के कारण। तो इसका मतलब ये जो हॉस्पिटल का होना या एम्बुलेंसेस का होना, ये क्या बता रहा है कि आपके पास एफर्ट कितने किए वो है सामने, पर उसका रिजल्ट आपको कब पता चलेगा, जब आप ज्यादा देर तक जिंदा रहोगे तो पता चलेगा, या तो बच्चे नहीं मरेंगे तो पता चलेगा। स्कूल कितनी भी बना लो लेकिन पढ़ने के लिए बच्चे ना आए तो अपने को किससे लेना देना है, रिजल्ट से लेना देना है। तो ये आपको क्या बता रहा है, शोइंग द रिजल्ट, एफर्ट नहीं बता रहा है, तुमने कितनी कोशिश की है नहीं, उसका रिजल्ट क्या आया, ये तीनों इंडिकेटर से पता चलता है। जैसे लिटरेसी लेवल ऊपर जाएगा तो मतलब तुम्हारी एजुकेशन पॉलिसी के एफर्ट सही थे, इसलिए उसका रिजल्ट तुमको मिला। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डेटा जो है किसके बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में, सॉरी दूसरा कौन सा, हेल्थ के बारे में अगर डेटा अवेलेबल है कि कितने लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं, कितने देर तक,
तो अगर अपने ऐसा बोले कि पहले 68 ईयर्स था 2011 के अंदर, अभी कितना हो गया ये 73 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब 5 साल और ज्यादा जिंदा रहेंगे इंडियंस। तो ये मतलब कि आपके पास बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल है और आप जाते भी हो वहां पे, तब एज बढ़ेगी ना। अगर जाओगे तो एज थोड़ी बढ़ेगी। कल एक अजीब चीज हुई, किसी प्रिंसिपल को ब्लेम किया गया, तो क्लास के अंदर सोचो सुपरस्टिशन का लेवल, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को कोई काम के लिए ब्लेम किया गया तो क्लास के अंदर उसने भूतानुसरा से गोल गोल घूमना चालू कर दिया। मैं वही पर्पस के ऊपर हूं, मैं वही बता रहा हूँ कि देखो प्रिंसिपल लेवल का आदमी है पर वो क्या कर रहा है, सुपरस्टिशन की बिलीफ को जैसे के मुहर लगा रहा है, बराबर ने। तो ये एफर्ट हुआ कि वो प्रिंसिपल बना, रिजल्ट क्या होना चाहिए कि उसको ये सब बातों में मानना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो मनवा रहा है दूसरों के पास से, बात समझे ने। तो ये जो चीज है ना, वो आपको तीनों तीन चीजें क्या बता रही है, आपको रिजल्ट बता रही है। फाइनली ये सब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो बताओ, अगर एजुकेशन है उसकी प्रोडक्ट क्या, एजुकेशन किससे पता चलेगा, नंबर ऑफ स्कूल से पता चलेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल उससे पता चलेगा, नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल पर स्टूडेंट उससे पता चलेगा, पर 10 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट कितने टीचर्स अवेलेबल है इससे पता चलेगा। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हॉस्पिटल से पता चलेगा, हॉस्पिटल के सेंटर्स कितने नजदीक है उससे पता चलेगा। सेम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, तो बच्चे की माँ के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है, बच्चे के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है जन्म के बाद, इन प्रोडक्ट जो जो अवेलेबल है मार्केट से उससे पता चलेगा। सो दैट्स वाई इट इज प्रोडक्ट बेस्ड, बराबर। नाउ अब रिकॉल करो पूरा जितना मैंने समझाया अभी, वो सब रिकॉल करो। तो बहुत आसान, अभी याद हो गया तुमको। देखो पहले कहाँ से शुरुआत करें, इसको डेवलप किसने किया, तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने इसको डेवलप किया, बराबर। अब मॉरिस डेविस मॉरिस ने इसको डेवलप किया तो इसने तीन अलग अलग चीजें इसके अंदर बताई। पहला कौन सा, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब आप एजुकेशन में लिटरेसी लेवल कितना रखते हो, कितने लोग लिटरेट है पूरी कंट्री के अंदर, वो बताया जाएगा। दूसरा क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक इंसान जन्म लेने के बाद कितने टाइम तक जिंदा रहता है, राइट। और तीसरा है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब पर 1000 कितने बच्चे जो हाँ 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं वो। अब आपको समझ में आता होगा कि ये तीनों में से दो पॉजिटिव इंडिकेटर है और एक नेगेटिव है, बोलो कैसे। मैंने तो बोल दिया, अब आप मुझे बताओ, दो पॉजिटिव इंडिकेटर है एक नेगेटिव है। लिटरेसी लेवल इंक्रीज होगा तो अच्छा माना जाएगा, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा तो भी अच्छा, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो अच्छा माना जाएगा। तो जो कम हो ना उसको नेगेटिव इंडिकेटर बोलते हैं, और बाकी के दो को क्या बोलेंगे अपने, पॉजिटिव इंडिकेटर। जो मैं समझा रहा हूं ने, और जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना उसी के ऊपर डिपेंड करना। मैंने अभी तक बोर्ड का यूज नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी, आज से मैं बोर्ड का यूज करूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां पे। तो जब यहाँ पे बोर्ड पे लिखूं ने, इन केस अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो उसके अंदर लिखते जाना, दो बार एक चीज लिखोगे तो इससे कोई ज्यादा कुछ खराब नहीं हो जाएगा, राइट ने। बट राइट डाउन और इसी के ऊपर डिपेंडेंस रखो। मैं क्या चाहता हूं कि आपको कम से कम पढ़ने की जरूरत पड़े घर पे जाके, और तुमको याद यहीं पे हो जाए, बराबर ने। अब देखो अपने लिटरेसी की बात करो, वापस इसको जस्टिफाई किया गया है। देखो लिटरेसी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रोड फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ। इंक्रीजिंग लिटरेसी एंड एजुकेशन शोज राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले क्या होता, जब भी पैसे आए तो पहले इंसान क्या करेगा, पेट भरेगा, बराबर, फैमिली का पेट भरेगा पहले, फिर दूसरा क्या सोचेगा, कपड़ों के बारे में, तीसरा घर के बारे में, बराबर। तो खाना पहनना और रहना तीन चीजें खत्म हो जाएगी, उसके बाद में वो कुछ दूसरा सोच पाएगा। तो जब अगर इंसान के पास डेवलपमेंट हुआ यानी कोई कंट्री के अंदर, तो ज्यादा पैसे आएंगे तो ही थिंक्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो फूड के बारे में, उसके बाद में क्लोथिंग के बारे में, उसके बाद में शेल्टर के बारे में। अब पैसा बचा तो बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे वेलफेयर हुआ, उसका इंडिकेशन कैसे पता चला आपको, बच्चे को एजुकेशन देने के लिए स्कूल में भेजा गया इससे पता चला,
तो जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना अवेयरनेस बढ़ी और पैसे ज्यादा है लोगों के पास, ये पता चला। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट कई बार इसमें एफर्ट्स करती है, कौन से एफर्ट्स, के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री कर दिया जाता है, स्टिल मेनी ऑफ योर स्कूल्स गिव यू फ्री टेक्स्ट बुक्स, आपको फ्री में टेक्स्ट बुक दिए जाती है, जितने भी ग्रांटेड स्कूल है वो सब की सब ग्रांटेड स्कूल आपको फ्री में टेक्स्ट बुक देती है, बराबर ने? तो ये फ्री में टेक्स्ट बुक जो मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चा इंडिया के अंदर या गुजरात के अंदर पढ़े, सो दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक। ये पहली बात, कि खर्चा कम हो जाए, तो ये लिटरेसी लेवल किसी नेशन का डेवलपमेंट बताता है। दूसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज कॉल्ड, अंडरलाइन करो, मिरर ऑफ सोशल एनवायरमेंट। ऊपर है ना लिटरेसी लेवल में, राइज इन द वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल को अंडरलाइन करना, और ह्यूमन एफिशिएंसी को, दो वर्ड खाली, ह्यूमन एफिशिएंसी। जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या अंडरलाइन करेंगे, मिरर ऑफ सोशल एनवायरमेंट एंड वेलबींग, मतलब एज ए नेशन सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो जैसे कि सोसाइटी अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, दूसरी बात मेडिकल केयर और एनवायरमेंटल सिचुएशन, मतलब पोल्यूशन ना हो तो जिंदा रहेंगे, अगर पोल्यूटेड एनवायरमेंट होगा तो जल्दी मर जाएंगे, तो एनवायरमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, राइट? एंड देन आफ्टर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इट इज अ रिफ्लेक्शन, अंडरलाइन करो, सोशल स्टेटस एंड वेलफेयर। इट इज एन इंट्रीकेट रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, स्टेटस ऑफ विमेन एंड रोल ऑफ अ मदर। तो देखो, इसमें पहले अपने इंट्रीगेट का मीनिंग देखें, इंट्रीगेट यानी कॉम्प्लेक्स, इंट्रीगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। पानी अगर साफ मिलेगा, एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, घर का एनवायरमेंट कैसा है, घर में बच्चे को कैसे संभाला जाता है, रखा जाता है, स्टेटस ऑफ विमेन, विमेन को स्टेटस क्या दिया जाता है, बच्चे को जन्म देने के बाद उसका ख्याल कैसे रखा जाता है वो, एंड फाइनली रोल ऑफ अ मदर, एज अ मदर वुमन अपने बच्चे का केयर कैसे लेती है। जैसे कि अपने देखते हैं कि मजदूरी करने वाले साइड के ऊपर बहुत सारे दिखते हैं, बच्चे का जन्म होने के बाद 4-6 महीने के अंदर वो काम पे चले आते हैं, तो इसका मतलब वो पूरे टाइम बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रख पाएंगे, सो दिस चाइल्ड टेंड टू डाई बिफोर गोइंग टू द एज ऑफ 1, 1 साल से पहले ये बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि उतना केयर उनको दिया ही नहीं जाता। एंड सीधी सी बात है, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसकी, उसके लिए बीमारियां सब नहीं है, न्यू सब चीजें, तो ये सब चीजों को झेल नहीं पाते शुरुआत में, दैट्स वाई। तो यार 3 चीजें आपने देखी, पहले में क्या लिटरेसी, उसमें क्या बताया मैंने, इससे वेलफेयर पता चलता है और ह्यूमन एफिशिएंसी का लेवल इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या देखेंगे अपने, इट इज द मिरर ऑफ सोशल एनवायरमेंट एंड वेलबींग, सोशल एनवायरमेंट एंड वेलबींग, और इससे 3 चीजें पता चलती है, न्यूट्रिशन कितना मिलता है, मेडिकल केयर कितना है, और एनवायरमेंटल सिचुएशन क्या है। देन आफ्टर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इससे क्या पता चलता है, सोशल स्टेटस और वेलफेयर। 3 चीजें इसमें भी, 4 चीजें, एक तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर, घर का एनवायरमेंट कैसा है, फिर स्टेटस विमेन का कैसा रखा जाता है, एंड फाइनली रोल ऑफ अ मदर। ओके, नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, हम क्या करेंगे, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सिर्फ लिख के बताया गया है, मैं आपको इसके एक फॉर्मूला बना के देता हूँ। देखिए, अगर PQLI फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले लिटरेसी लेवल, ये भी किसमें से होता है, आउट ऑफ 100, फिर उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 100,
और उसके बाद में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसमें हाईएस्ट वैल्यू, वेरी गुड, हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है इसके अंदर, जीरो, राइट। उन सबको अपने किससे डिवाइड करें, थ्री से डिवाइड करो, इक्वल वेटेज दिया गया है सबको, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, इसलिए सबको किससे डिवाइड करेंगे, थ्री से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट PQLI, यानी आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इससे मिल जाएगा, राइट। ये जितना हायर ने उतना कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा, और कंपेरेटिवली हम दूसरी कंट्री के साथ में अगर कंपेयर करें तो अगर उनसे अपना PQLI ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट उनसे ज़्यादा है, ये ऐसा माना जाएगा। तो दिस इज हाउ PQLI अपने फॉर्म करते हैं, यहाँ वही बात बताई गई लेकिन कम्प्लीटली थियरी के अंदर बताई गई। हम क्या करेंगे, एवरी इंडिकेटर यानी लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी, इसको 100 वेटेज दिया जाता है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब कितना लिटरेसी लेवल अचीव कर चुकी है, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और कितना इन्फेंट मोर्टैलिटी है, ये तीनों को टोटल करने के बाद इसको अपने डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो एक एवरेज मिलेगा। ये एवरेज से अपने को क्या मिलेगा, फाइनली PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ईजी, जितना 100 से क्लोजर उतना बेटर, जितना 0 से क्लोजर उतना वर्स। और हम PQLI को किसके बीच में मानेंगे, 0 से 100 के बीच में। और PQLI को किस लिए यूज किया जाता है, दो कंट्री के बीच में और इवन दो डिफरेंट स्टेट्स विद इन द सेम कंट्री, यानी गुजरात का और केरला का अगर PQLI कंपेयर करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इवन टू डिस्ट्रिक्ट का भी PQLI कंपेयर कर सकते हैं। PQLI ज्यादा तो मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और PQLI कम तो लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी कोई बताए कि इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट अभी के अभी तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे, पहली बात जितना 100 से क्लोज बेटर, जितना 0 के नजदीक वर्स यानी बैड बदल, कितने से कितने के बीच में, 0 से 100 के बीच में, किसका कंपेरिजन कर सकते हैं, स्टेट्स और कंट्रीज का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। और हायर द PQLI यानी मोर डेवलपमेंट, लोअर द PQLI लेस डेवलपमेंट, डन। देन आफ्टर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो PQLI में हम तीन जो फैक्टर्स को यूज करते हैं वो हर किसी इंसान के लिए जरूरी, कौन कौन से, तो एजुकेशन सबके लिए जरूरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये इन्फेंट, ये सबके लिए होता है, हर किसी को टच करता है ये जिंदगी में, ये तीन चीजें हर किसी के लिए, बराबर है। इसमें से कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेरे लिए नहीं, कोई नहीं बोल सकता। फिर PQLI इज अ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में खाली इनकम देखी जाती है, बाकी सब डेवलपमेंट नहीं देखे जाते। और PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेसर ड्रॉबैक्स, किसके कंपेरिजन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की कंपेरिजन, नेशनल इनकम से ज्यादा अच्छा, पर कैपिटा इनकम से भी ये ज्यादा अच्छा है। Then after, with PQLI, comparison can be made between different countries, different groups or countries or different states. मैं आगे भी बता चुका, group के बीच में भी comparison हो सकता है, working class का PQLI जो industries में work करते हैं, working class का PQLI जो agriculture में काम करते हैं, उन दोनों का भी, यानी दो अलग अलग group का भी अपने find out कर सकते हैं। और इसी तरह से PQLI rural area में, urban area में, फीमेल और मेल, इन सब के बीच में भी फाइंड आउट किया जा सकता है। नाउ इसका अल्टीमेट, इसके लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस आर टोटल 6। अब पहला लिमिटेशन देखें, इसमें तीन एस्पेक्ट्स को अपने इंक्लूड किया है, ओनली 3, अंडरलाइन करो, ओनली 3 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड। और उसके बेसिस के ऊपर अपने डिसाइड करना है कि वेदर अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट, पर इससे ज्यादा एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए था, ऐसा बोला गया, पहली बात। दूसरा, सिर्फ एवरेज है, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन मांग लेता है, ये जो वर्ड है ना वो एवरेज, सबको 1/3 दिया है, बराबर है, यानी सबका वेट सेम है, सबका वेट सेम है, सबका वेट 1:1:1 हुआ, बराबर। बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस, व्हाई, बिकॉज देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है, so we do not need to improve literacy level there। तो अब importance किसको देना चाहिए हमको, life expectancy को ज़्यादा देना चाहिए,
इन्फेंट मोर्टेलिटी को ज्यादा देना चाहिए, तो जो चीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है उसको भी इक्वल वेट दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये याद लिखा है, देखो, एवरेज ऑफ थ्री डिपिक्स ऑफ अ कंट्री डज नॉट शो द प्रोमिनेंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ ईच इंडिकेटर, यानी हर इंडिकेटर आपको अलग से पता नहीं चलता, इसके लिए आपको वापस रूट में जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो डिसीजंस कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एवरेजेस, अंडरलाइन करो, डिसीजन सिर्फ एवरेज के बेस के ऊपर नहीं हो सकता। हम क्या मानते हैं, इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट पीक्यूएलआई इज हाई, हम उसको जनरलाइज कर देते हैं कि चलो ये कंट्री तो डेवलप हो चुकी, बट इट इज नॉट लाइक दैट, कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, इनकम। देखो ये नॉन इनकम इंडिकेटर जैसा लगता है आपको, है ना, नेशनल इनकम इग्नोर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इग्नोर्ड, पर कैपिटा इनकम इग्नोर किया इसके अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे सबको 100-100 वेट दिया पर सबका इंपॉर्टेंस एक जैसा नहीं होता, ये नेक्स्ट में लिखा है। फिर फिफ्थ में क्या लिखा है कि ग्रोथ ऑफ इनकम हैज हाई इंपॉर्टेंस इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, बट उसको हमने देखा ना, मैंने आगे बोला कि ग्रोथ ऑफ इनकम उसको इग्नोर किया है, तो ग्रोथ ऑफ इनकम इग्नोर्ड पहली, सेकेंड लास्ट बात। अब लास्ट देखो, द पीक्यूएलआई ऑफ रिच कंट्रीज वो धीमे धीमे इंक्रीज होता है, पर इसका मतलब अपने ये बोल सकते हैं कि एक लेवल होने के बाद वो इंक्रीज नहीं होगा, जैसे कि एचडीआई की बात करेंगे ना, इसके बाद वाला पॉइंट है, इसमें नॉर्वे का एचडीआई ऑलमोस्ट 0.9495 एक होता है वो उसका मैक्सिमम, तो 0.94 या 95 है, अब इससे आगे कितना बढ़ेगा, इससे आगे, लेकिन इंडिया की बात करो तो 0.583 से धीमे 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 आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, पर इसमें अपने क्या चाहिए, बिग लीप, बहुत बड़ा जंप चाहिए, 0.583 हो और अपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीज हो अगर समझोगे 0.05 का और नॉर्वे के अंदर 0.005 का हो तो भी नॉर्वे बेटर है अपने से, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, समझे ने। तो पी क्यू एल आई कब तक इंक्रीज होगा, एक लेवल तक, उसके बाद में तो वो स्टेगनेंट हो जाएगा ना, इंक्रीज होते होते एक लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद में आगे बढ़ना पॉसिबल है नहीं है। अब एज कितनी से मानते हो, 100 में से 100 तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल है नहीं है, हर इंसान 100 साल जिएगा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वो अपने 93-94 मैक्सिमम, उससे आगे बढ़ नहीं सकते, उसी तरह से अपने 0 फाइनल फिगर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर, राइट, उसी तरह से लिटरेसी लेवल 100% कभी हो ही नहीं सकता, 98-99 पे खत्म हो जाएगा, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं पूरी जिंदगी के अंदर, राइट ना, तो ये जो चीजें हैं ना, इसलिए अपने ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में उसका इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो 6 बातें अपने लिमिटेशंस में देखी, पहली चीज क्या देखी उसके अंदर, इसमें और ज्यादा चीजों को इंक्लूड करना चाहिए था, दूसरा खाली एवरेज है और एवरेज के ऊपर अपने डिसीजन नहीं ले सकते, तीसरा हम कैटेगरिकली जनरलाइज नहीं कर सकते कि जिस कंट्री के अंदर पीक्यूएलआई हाई है उसका डेवलपमेंट हो चुका है, ऐसा अपने जनरलाइज नहीं कर सकते, और सबको हमने यहाँ पे इक्वल वेटेड दिया है, सबको कैसा वेट दिया, इक्वल यानी 100 वेट दिया है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस सबके लिए एक जैसा नहीं होता। देन आफ्टर ग्रोथ ऑफ इनकम या इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन ग्रोथ ऑफ इनकम को हमने इंक्लूड नहीं किया, उसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है, और पीक्यूएलआई जो रिच कंट्रीज का है वो स्लोवर रेट के ऊपर बढ़ता है, क्योंकि वहां पे एक लेवल के बाद इंप्रूवमेंट कर नहीं सकते। नाउ प्रेजेंट सिनारियो, आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 एस्पेक्ट्स पीक्यूएलआई की जगह पे फिजिकल निकाल दिया गया और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आया, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सिर्फ ये स्टेटमेंट अपने को याद रखना है, राइट तो यहाँ पे पीक्यूएलआई का पूरा टॉपिक आपका फिनिश होता है, जस्ट होल्ड ऑन। Thank you.